हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम आपको बताने वाले हैं एक और नए डिज़ाइन की ड्रेस। तो ये हम 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे बटरफ्लाई वाली ड्रेस। हमने 2 कलर की ऊन ले ली है, एक वाइट और पिंक कलर की। 10 नंबर सिलाई ली है। दोस्तों आप अपनी पसंद की कोई भी ऊन ले सकते हो। और इसमें हमने 16 फंदे डाल लिए हैं। 2 सिलाई बना ली, देखो बॉर्डर की, गले का बॉर्डर बना लिया वाइट से। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखो हम ये बनाते हैं, देखो 2 फंदे हम ये बनाएंगे बॉर्डर वाले गांठ के। देखो धागा पीछे किया, एक फंदा बनाया हमने सीधे आगे वाले पार्ट का, धागा अपनी तरफ किया। तो हम देखो 4 जालियाँ डाल लेते हैं, 1 2 3 ये 4, हमारे 4 जालियाँ डल चुकी हैं। अब हम 2 फंदे सीधे सीधे बना लेते हैं पीछे वाले पार्ट के, 2 बन गए। देखो फिर से हम 4 जालियाँ डालते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब ये हमारा एक फंदा हो गया आगे वाले पार्ट का और 2 फंदे हो गए हमारे सीधे सीधे जो हम टिच वगैरह बटन आप कुछ भी लगा सकते हो बॉर्डर के वाले। ये देखो अब ये उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। देखो उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। तो फिर से हम सीधी तरफ हैं, दूसरी सिलाई है हमारी, दूसरी तरफ से 2 फंदे ही हम बॉर्डर वाले बनाएंगे शुरू से लास्ट तक। धागा पीछे किया, ये सीधा फंदा था हमारा, देखो इसको सीधा बनाएंगे। ये जाली वाला है, देखो इसको भी सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ किया, अब इस पर हम जाली डालेंगे। ये आगे का पार्ट हो गया हमारा। धागा फिर से अपनी तरफ किया, देखो दूसरी जाली हम इस पर डालेंगे। यहाँ से हमारे बाजू का हो जाएगा, जो ये हमारी दूसरी जाली है, देखो बीच में जो हमने डाली थी उसको हम सीधा बनाएंगे। और इस वाले फंदे को भी, ये हमारे बाजू के हो गए। तो देखो यहाँ जाली डालेंगे, बीच वाली जाली पे जाली नहीं डालेंगे, देखो पहली पे डालेंगे और लास्ट वाली पे डालेंगे। फिर से जाली डाली, यहाँ से हमारे पीछे का पार्ट हो गया। देखो ये 2 फंदे सीधे सीधे थे, इनको सीधा सीधा बनाया है। और देखो इसको जाली वाले को भी बना लिया, फिर से जाली डाली पहली जाली पे, देखो फिर इस पर सीधी फली पे, फिर इस पर जाली डाली। देखो अब ये जो है हमारे बीच वाली जाली, इसको सीधा सीधा हमने बना लिया। देखो फिर जाली डालेंगे यहाँ पे पहली जाली पे ऐसे, देखो फिर इस पर। तो ये हमारी इधर भी बाजू हो गई और ये हमारे आगे का पार्ट हो गया। देखो और 2 फंदे हमारे ये हो गए बॉर्डर वाले ऐसे। उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। जाली वाले फंदों को भी हम ऐसे ही बनाएंगे, देखो सादा सादा। और सादा फंदे को भी हम सादा बुनेंगे, देखो जाली वाला है इसको हम। तो इसी तरीके से हम जाली पे जाली डालते हुए 4 जालियाँ डाल लेते हैं। 2 जाली हमारी डल चुकी हैं, हम 2 डालेंगे तो टोटल हमारी 4 जालियाँ हो जाएंगी। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारी 4 जालियाँ हो चुकी हैं। देखो इसमें 1 2 3 4। तो अब हमने इधर से उल्टी तरफ से वाइट कलर को लगा लिया है। तो देखो हम सभी फंदों को डिजाइन डाल लेते हैं वाइट का। इसमें सभी फंदों को हम देखो ये गांठ वाला बनाएंगे, उल्टी सिलाई बनाएंगे सीधे तरफ से। पूरी ही सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं वाइट से। देखो और उल्टे तरफ से भी हम वाइट को उल्टा उल्टा ही बनाएंगे और सीधे तरफ से भी। तो हम बना के कंप्लीट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये
हमारे इसमें टोटल 48 फंदे हो चुके हैं। देखो तो 2, 4, 6, 8 हमने आगे पार्ट के बना लिए हैं और बीच के पार्ट के हमारे 9-9 फंदे बैठ रहे हैं। हमें जाली से जाली के अंदर के फंदे लगाने बाजू के। तो देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हमारा 9 फंदा हो। देखो तो ये हमारा है जाली वाला आ गया है। तो देखो इन पीछे के पार्ट को हम सभी फंदों को बना लेते हैं। देखो ऐसे 9 फंदे हमने ये बाजू के लिए घटा दिए हैं। जाली से जाली तक के फंदे हम ये पीछे वाले पार्ट के लिए बना रहे हैं। देखो ये यहाँ से यहाँ तक। देखो अब ये फिर 9 फंदे हम बाजू के घटाएंगे दूसरी के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और देखो यहाँ जाली वाला ही आ गया 9। तो ये जाली से जाली का हिसाब होता है सीधा। देखो 2, 4, 6, 8 तो इधर हम ये 8 फंदे इधर बना लेते हैं। देखो हमारे आगे वाले पार्ट के हो गए। देखो 8 फंदे 2, 4, 6, 8। अब हम उल्टी तरफ हैं। देखो उल्टी तरफ से हम ये पिंक कलर को लगा लेते हैं। ये अलग अलग पार्ट हो रखे हैं। देखो इनको सभी को हम एक जगह करेंगे। देखो ऐसे ये हम बाजू से के फंदे इधर से और इधर वालों को बिल्कुल ऐसे मिला के देखो खींच के बनाएंगे जिससे बाजू में गैप ना आए। देखो ये बाजू हमने जॉइंट कर दी यहाँ पे। देखो ऐसे ही तो इधर वाले को भी करके हम कमर के लिए 6 सिलाइयाँ बना लेते हैं। जॉइंट करने के बाद में देखो तो हम ये पिंक से बनाएंगे 6 सिलाइयाँ। तो देखो इधर वाली बाजू को भी हम जॉइंट करते हैं। ये हमने जॉइंट कर दी। देखो हमने सारी चोली के फंदे अलग अलग पार्ट जो थे सबको हमने एक जगह कर दिया। देखो देखो पूरी एक हो गई है। तो अब हम 6 सिलाई बना लेते हैं कमर के लिए। तो देखो ये हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो अब हम इनको सभी फंदों को देखो ऐसे एक साथ करके एक एक करके सॉरी सभी फंदों को बंद कर देंगे। देखो ऐसे 2 का 1, 2 का 1 करके हम तो ये हमारी चोली बनके कंप्लीट हो गई है। तो हम बटरफ्लाई अगली वीडियो में बना के दिखाएंगे आपको। तो हम ये फिर उसके साथ जॉइंट करेंगे घेरे बना के बटरफ्लाई का। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो ये हम सभी फंदों को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी चोली बन के कम्प्लीट हो गई। देखो 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए काफ़ी कम समय में बन के तैयार हो जाती है और देखो काफ़ी इजी भी है बनाने में और देखने में काफ़ी सुंदर भी लग रही है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।